नमस्कार, आप सभी का इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कल जयपुर के अंदर रीट लेवल 2 विद्यार्थी एकत्रित हुए थे और सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ था उस पूरे घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। तो सभी दोस्तों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फटाफट से वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल, राजेंद्र यादव जी, प्रधान भाई जी आए हैं, मैंने लिंक भेज दिया उनको, उनको भेज दिया मैंने लिंक, आप धैर्य बनाए रखें, थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं उनको एक कॉल कर देता हूँ, मैं कॉल कर देता हूँ उनके लिए, थोड़ा वो आ जाए, वेट कीजिएगा। आवाज आ रही है क्या मेरी? सभी को आवाज आ रही है क्या? कमेंट करके बताएं आवाज आ रही है क्या। आवाज आ रही है क्या? विकास मीणा जी, गुड आफ्टरनून, गोस्वामी, गुड इवनिंग, सभी को मेरा राम राम, राधे राधे, जय श्री अकाल। अभी प्रधान मीणा जी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, वो किसी कार्य में बिजी है। मनीष झंझरिया जी का सवाल है, मीडिया में बहाल का अच्छा माहौल बन गया है सर जी, अब हम जीत के रहेंगे। बिल्कुल मनीष जी, आपसे बात करें तो मैं बताऊं आपको, माहौल बनाना पड़ता है, चाहे मीडिया के अंदर हो चाहे किसी के भी अंदर हो। जब हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो माहौल कैसे बनेगा? उस माहौल के लिए हम सभी को आना जरूरी है। वहां जब लोग आए, 250-300 के समथिंग लोग आए थे, तो ऐसा माहौल बना, बहुत अच्छा माहौल था, सभी की उम्मीद थी और बढ़िया रेस्पॉन्स भी था। बड़े जोश और जुनून के साथ हमारे भाई आए थे, उन सभी भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो कल जयपुर में आए थे अपना कीमती वक्त निकालकर। उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी टीम की तरफ से भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह से ही अपने इस कार्यक्रम का प्रारंभ हो गया था, तो सुबह 8 से ही नीतू शर्मा जी कह रहे हैं, रीट बहाल का कब तक वेट करें सर, डर लग रहा है। आज का लैब असिस्टेंट का पेपर देखा, उस हिसाब से तो रीट बहाल ही होना अच्छा ऑप्शन होगा। भाइयों, मैं पहले ही आपसे कहता आया हूँ, कर्मचारी चयन बोर्ड जो आयोग है उसका कुछ पता नहीं है, वो कहाँ से क्या पूछे ये किसी को पता नहीं है, कितना पेपर हार्ड देता है ये किसी को पता नहीं।
ये किसी को पता नहीं है, से वो सिलेबस के अंदर से देगा या सिलेबस के बाहर से देगा। तो सबसे बड़ा ऑप्शन यही था हमारा कि रीट लेवल टू बहाल करवाने के लिए आप साथ आइए। सभी लोग, हम बहुत लोग आपसे गुजारिश कर रहे थे कि आप विद्यार्थी सभी अपनी मांग को उठाने के लिए आइए। चांदूलाल खराड़ी जी कह रहे हैं, सर क्या अपना जवाब पेश हुआ, भर्ती बहाल होगी कि नहीं होगी, कंफर्म बता दो, 20 दिन बचे हैं फ्री के लिए। चांदूलाल खराड़ी जी, कल आप आए क्या? घर बैठे से तो इतने बड़े बड़े सवाल करते हो और ऐसे से क्वेश्चन पूछते हो, ऐसे जिसका जवाब ठीक से दिया जाए। अब इन्होंने पूछा है बाल होगी कि नहीं होगी। भैया बाल हो जाएगी फ्री के लिए, 20 दिन बचे हैं तो तैयारी करो ना फ्री की, मना कौन कर रहा है, 20 दिन की तैयारी कर लो। सब लोग कहते हैं और हम कहते आए हैं तैयारी जारी रखनी चाहिए। रीट बाल होगी, टाइम लगेगा, जुलाई में ही इसका परिणाम आ जाएगा। रही जवाब की, जवाब भी आ चुका है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि सारे केस मर्ज कर दिए गए हैं, तो उसी केस में अपना भी जवाब टैग हो जाएगा। निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 दिन का उसका जो कैटेगरी एरिया होता है सरकार के द्वारा कोर्ट का, तो उससे पहले ही सरकार अपना जवाब पेश कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो जवाब आना ही है। और केस जब मर्ज हो जाते हैं एक साथ, तो किसी एक में अगर जवाब आ जाता है तो समझ लो वो सभी केसों में आ जाता है। और कल के बारे में बात कर रहे थे, अरुण मीणा जी कह रहे हैं जवाब तो आ गया, जवाब तो आ गया, बहस होना बाकी है। बिल्कुल, अपनी आज की एक सुनवाई थी, रविंद्र सैनी जी की सुनवाई थी, उसको उसी केस में भी मर्ज कर दिया गया 30 जून के। वह तो आप सभी को पता है 30 जून को अपने केस को लेकर डायरेक्ट ही बहस होगी। और कोर्ट नंबर दो में सुनवाई होगी, 58-69वां अपना केस नंबर है, जल्दी केस आ जाएगा, लंच से पहले ही आ जाएगा, निश्चिंत रहें। और अर्पिता जी कह रही हैं, भैया सरकार संस्कृत विभाग में BSTC वालों को रेट 2021 के मार्क्स से सीधी ज्वाइनिंग दे रही है, हमें ऐसा कौन सा पाप किया है? अर्पिता जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, पाप हम लोगों ने यही कहा किया है कि हम लोगों ने जैसे ही सरकार ने पेपर रद्द किया था, उसके दूसरे दिन ही हम सबको 16,500 विद्यार्थियों को, जिनके अच्छे अंक आ रहे थे, उनको सभी को पता था हमारा सिलेक्शन हो सकता है, उन विद्यार्थियों को अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। आप रह रहे के इस बात को सोचते हैं, हम काश ऐसा काम कर लेते, तो उस सोचने से पहले, इन चीजों को बाद में सोचने से पहले, उस काम को पहले ही सोच लिया करें तो बेहतर रहता। भरतलाल मीणा जी कह रहे हैं, दिव्या टाक जी बहुत बहुत स्वागत है इस आपके इस प्रोग्राम में, और कल आप उस प्रोग्राम में आई, कल आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति पाटीदार कह रही है, सर अब कुछ नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा, रीट लेवल टू बहाल होगी। कल हमारा जो प्लान था सभी का, कि एक बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाए और ज्ञापन दिया जाए और सीएम गहलोत साहब से, डोटासरा जी से मिला जाए, और सभी को उम्मीद थी, क्योंकि कांग्रेस के तरफ से प्रत्येक तहसील स्तर से जो अग्निवीर है उसके खिलाफ बेरोजगारों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस जी, लेकिन अचानक ही उन्होंने का कार्यक्रम जो तुरंत ही चेंज हो गया। हमने टीम गठित की, हमने पता चला हम लोगों को कि डोटासरा जी कहीं जाने वाले हैं, तो हमने अपनी टीम गठित की,
जिसने अपनी जो दिव्या दीदी हैं मैडम है उनको भेजा था, उनके संदर्भ में बहुत सारे लोग गए थे, 10-12 लोग गए थे। दिव्या टैग जी कह रहे हैं पर अब लगता नहीं कि रीट बहाल होगी, जैसा कल माहौल बनाया था पैसों पर मरा मरी क्यों हो रही है। बिल्कुल देखो जाए वास्तविक तौर से कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं वो ऐसा माहौल बना देते हैं, नेगेटिविटी होती है जिन लोगों के अंदर, तो उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। देखो ये समस्याएं तो आती रहती हैं, कोई विद्यार्थी की सोच कैसी है, किसी की सोच कैसी है, उन सभी को निकालना चाहिए। हमारा सबका एक ही मकसद है, रीट लेवल 2 बहाल करवाना। काफी हमने समझाइश की कोशिश की थी, बाद में भी कोशिश की थी, आपको हमारे चेहरे से भी पता चल रहा होगा कि हमारी आंखों को देख के कि अभी हमारी नींद भी नहीं पूरी हुई है। काफी समझाइश हुई और एक दूसरे की तरफ से वो तो होता रहता है, उस बात को छोड़िए। माहौल अच्छा था लेकिन यही बात की कमी थी कि डोटा सरा जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई। बढ़िया अपना मीडिया का के तरफ से देखा जाए पूरा सहयोग रहा और अच्छा माहौल बना गया हमारे सभी के द्वारा। जी मीडिया में हमारी खबर को 3 बार दिखाया गया, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, उन सभी में हमारी खबर भी आई। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया का भी, उन्होंने हमारा खूब सहयोग किया और ऐसे ही सहयोग करते रहे। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे चंदूलाल खराड़ी जी करें अगर रीट लेवल बन बन रद्द की बात नहीं बनती है तो L1 वाले वकील लेवल 2 बहाल कर दो, यू बोल सकते हैं क्या? भैया मैं बताऊं आपको, जो व्यक्ति रद्द की बोल सकता है तो वो व्यक्ति बहाल की कैसे बोलेगा। अब वो मुंह से कुछ भी बोले विपक्ष का आदमी ये अच्छा नहीं लगता। रमेश सोलंकी जी कह रहे हैं अनुमा वाले केस की सुनवाई कब है? सभी जो केस लगे हैं उनकी सुनवाई 30 जून को है, कोड नंबर 2 में है, मैंने केस नंबर बता दिया, 58-59 माँ अपना केस है। इमरान जयपुर जी बोल रहे हैं जब कोर्ट में जवाब मर्च होता है तो क्या फैसला भी सामूहिक ही आता है? बिल्कुल सभी का फैसला एक ही आएगा। कहने का मतलब है जब समूह बना दिया जाए और एक ही समूह सभी लोगों की, यानी देखा जाए 8-10 लोगों की समस्या एक ही हो, उस समस्या को निकालने के लिए सरकार ने सोचा कहीं ना क्यों ना इसका जवाब एक साथ दे दिया जाए। अब उस पूरे समूह की सुनवाई एक साथ होगी तो वो सभी के लिए होगी, ऐसा नहीं है कि एक केस के लिए होगी। अश्वनी जी बोल रही हैं दिव्या जी आप ही ऐसे बोल रहे हो तो हम किससे उम्मीद रखें? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी ऐसा नाराजगी चलती है उस बात को दिमाग से निकाल दें और निश्चिंत रहें, अपनी जीत है, कोई दिक्कत नहीं है। दिव्या किस बात के लिए बुलाया इन सब ने जब डोटा सरा से ही नहीं मिला मिलना था? पागल हैं जो हम 600 किलोमीटर से आए, कोर्ट का काम कर रहे हैं वो सब दिमाग से पागल हैं, बस खुद को ही भगवान मानते हैं। देखो दिव्या जी इसमें उन सभी को भी नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है, उनकी कोई भी गलती नहीं थी। अब देखो कोशिश की गई, आपको भी भेजा गया लेकिन मुलाकात नहीं हो गई, उन्होंने थोड़ा जल्दी कार्यक्रम जाने के लिए बना लिया, तो हम और आप क्या कर सकते हैं। पहले भी 24 मई को आप नहीं आई थी, उस दिन भी तो यही प्रोग्राम हुआ था, फिर भी उस दिन बढ़िया रेस्पॉन्स निकला था दिव्या जी। अश्वनी जी बोल रहे हैं ये फेक आईडी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मुझे पता है उनकी फेक आईडी नहीं है, वो बिल्कुल है, वो सही बोल रही हैं।
दिव्या जी, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। अरुण मीणा जी कह रहे हैं, आज दिव्या जी को क्या हो गया, हमारी सबसे बड़ी लीडर है, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी नाराजगी होती ही रहती है। तो उस नाराजगी को जाहिर करने का उनका थोड़ा हक बनता है, तो उस नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। राजेंद्र यादव जी बोल रहे हैं, दिव्या जी ऐसे कैसे बात कर रही हो, कुछ नहीं है, थोड़ी नाराजगी है। कल की बोल के कल हमारा जो कार्यक्रम हुआ था उसमें कोई सफलता नहीं मिली थी अच्छी तरह से, जो हमारा मकसद था गोविंद सिंह डोटासरा से मिला जाए और गहलोत से मिला जाए, तो वो कार्यक्रम नहीं हो पाया था, उस वजह से नाराज हैं ये सब लोग। अशोक चौधरी जी गए 30 जून को जयपुर हाई कोर्ट के सामने न्याय मांगते हैं। नहीं भाई, चक्कर ये है, पूरे जयपुर शहर में 1 महीने के लिए 144 धारा लगी हुई है, तो उस वजह से हम हाई कोर्ट के सामने ऐसा नहीं कर सकते। सुरेश चौधरी कहते हैं, मैं इस मुद्दे से अभी जुड़ा हूं सर, मुझे बताओ पैसे ट्रांसफर बकौली जी के अकाउंट में करना है ना सर? बिल्कुल, आप रीट का सपना ग्रुप जो है उसमें जुड़ जुड़ जाइए और वहीं पर आपको नंबर मिल जाएगा बकालिया जी का, वो आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। देखो, एक नया वकील किया है, कैसे ना कैसे करके अपनी बहाल, रीट लेवल टू बहाल हो जाए। इस हमारी जो टीम है, उन टीम ने निर्णय लिया कई लोगों से सलाह लेने के बाद कि हमारे तनवीर जी वकील अकेले हैं, क्यों ना उनके साथ एक और वकील उतारा जाए, क्यों जिससे और मजबूती आ जाए, क्योंकि एक आदमी थोड़ा पर जो जोर होता है, दबाव भी होता है, तो वो नहीं बोल पाए, लेकिन दो व्यक्ति होते हैं तो ताकत बढ़ती है, आप खुद जानते हो, एक से दो भले, इसलिए दूसरा वकील उतारा गया और उसके लिए थोड़ी फंडिंग की आवश्यकता थी, और वो सब बता दिया था आपको, कितने पैसे की जरूरत है, कितने में बात हुई है, वो सब आपको क्लियर ही बता दिया जा रहा है। उसके लिए सभी से आर्थिक सहयोग जो बनता है आपको, वो सहयोग कर सकते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000, जितना भी आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। देखो, ये बड़ी बात नहीं है, 1000, 500, 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, अपना काम होना चाहिए। और बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथी, ऐसा लगता है कि ये लोग पैसे उगाते हैं और खा जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा, अगर ऐसा लगे कि ऐसा हो रहा है, तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बातें रख सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्या हिसाब है, क्या लेना देना है, वो सारी के सारे आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल बाकायदा सारा का सारा हिसाब मेंटेन है और एक एक रुपये का मेंटेन है, दिक्कत न ले। अरुण मीणा जी का रीट पात्रता के बाद देखना, जो पात्रता पास नहीं कर पाएगा वो रीट वाली करने दौड़ेगा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत बड़ा डिफिकल्टी बनेगा, आप सभी को पता है। मास्टर नवरत्न बारूपाल आरजे की नागौरी सरजी डोटासरा से मुलाकात हुई या बात हुई क्या, अब आगे क्या होगा? बात नहीं हो पाई थी, हमने कोशिश भी की थी, सीकर भी जाने के लिए कोशिश की, लेकिन उनसे बात की तो वहाँ भी मना कर दिया गया, आप यहाँ लोग मत आइएगा, क्योंकि तो यहाँ से भी गोविंद सिंह डोटा से ही निकलने वाले हैं, और हमने बस भी कर ली थी, लेकिन वहाँ से कोई मना कर दिया गया, थोड़ी हमें अनुमति नहीं मिली, इस वजह से नहीं गए। और साथियों ने शाम को भी रुकने का फैसला लिया, शाम को उनसे भी बात की कि कल आप कितने बजे तक आ पाओगे, तो उन्होंने कोई टाइम फिक्स नहीं बताया, उस वजह से हमारे साथी ने निर्णय लिया कि फिर किसी दिन और दिन टीम के द्वारा ही मिल लिया जाएगा। सुशीला जी कह रहे हैं, अगर रीट बहाल होती है तो ओबीसी L2 SST फीमेल की कितने में था? ये बात की बात है,
ओम जी कह रहे हैं हमारे साथी संतोष जी, आप लोगों को इसी तरह ऊर्जा देते रहिएगा, आशा जगाए रखें, आपका कार्य सराहनीय है, हम शीघ्र ही विद्यालय में होंगे, अब रीट बहाल सुनिश्चित है। वो सभी को पता है हमारी टीम के द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो आप सभी के सामने है। कल वायकादा सभी को बताया गया था कि टीम के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, वो सबके सामने आपको बता दिया गया था, और हमारे साथी जो थे बहुत संतुष्ट थे अपनी टीम के ऊपर, उनके कार्य के ऊपर। सुनील वर्मा जी कह रहे हैं क्या हुआ कल आंदोलन खत्म हो गया क्या, बहाल होगी या नहीं होगी L2, क्यों नहीं होगी? सुनील वर्मा जी, आंदोलन सिर्फ एक दिन का था भाई, तो एक दिन का होगा तो एक दिन ही रहेगा, 2 दिन कैसे हो सकता है? अनुमति हमने एक दिन की ली तो एक दिन ही आंदोलन चलेगा, हम आंदोलन नहीं करने वाले थे, हम सिर्फ अपनी मुलाकात अपनी बात रखना चाह रहे थे। और अरे इसको छोड़, पिंकी प्रजापति कह रहे हैं क्या होगा सर जी बताओ क्या करें, रीट बहाल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल रीट Level 2 बहाल होगी, टेंशन न लें, बढ़िया स्थिति अपने को केस की, और पुरजोर तरीके से पूरा कोशिश की जा रही है, और नए नए एविडेंस भी लगाए जा रहे हैं हमारे साथी के द्वारा, बहुत बहुत दूर दूर तक लाए जा रहे हैं और दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब यह है हमारी टीम है वो बड़ी कड़ी मेहनत कर रही है रीट Level 2 बहाल करवाने के लिए, और बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक परिणाम मिलेगा हम सभी को, जो हमने मेहनत की थी उस मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। सचिवालय से क्या रुझान है? सचिवालय से रुझान की बात करें, शक्ति सिंह जी थोड़े किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा थोड़ा हमारे खिलाफ गलत विचार बनाए गए थे, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली, उनको सफलता नहीं मिली थी, यही बड़ी है उनकी, जो उन्होंने हमारे खिलाफ षड्यंत्र बनाया था उनका वो षड्यंत्र बिल्कुल असफल रहा और हमारी भी उसमें जीत हुई, यही सबसे बड़ा हमारा रुझान है। अरुण मीणा जी कह रहे हैं सर जी नींद निकाल लो पूरी, ये सब आपको सुनाई नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी नींद तो निकल जाएगी, नींद उस दिन निकलेगी जिस दिन रीट Level 2 बहाल होगी, अपनी कोशिश ये है। बहुत सारे हमारे साथी हैं इस उम्मीद में लगाए बैठे रहते हैं, कल क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम को देखते हुए, तो कल की हमने फिर उसके बाद मुलाकात करने की कोशिश की गोविंद सिंह डोटासरा जी से, दिव्या जी को भेजा गया था, मैडम जी को और भी हमारे साथियों को भेजा गया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और वो निकल गए, थोड़ी इस वजह से नाराजगी हुई थी हमारे साथियों को कि जब डोटासरा जी से मुलाकात नहीं हुई तो उस आने का परिणाम क्या निकला, यानी दूर दूर से जब आए उस मकसद के लिए आए तो वही काम नहीं हुआ, तो थोड़ी इस वजह से नाराजगी उनके अंदर बनी। अब देखो नेता लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखो उनका क्या कहाँ जाना कब जाना ये तय नहीं होता है ना, तो इस वजह से नाराजगी नहीं होना चाहिए। बाकी का जो हमारा कार्यक्रम था, हमने थोड़ा धरना प्रदर्शन भी किया था, अपने मीडिया में देखा होगा, अपने चैनल के माध्यम से देखा होगा, मैंने प्रत्येक खबर आपको बताई थी, एक एक वीडियो मैंने आज डाला था सुबह में, आपने देखा होगा, हम सब लोग घर बैठे रहते हैं लेकिन एक बच्चा अपनी माँ के लिए कहाँ आया था, जयपुर आया था, वो भी इतनी गर्मी में, वो कोटा से आया था बेचारा, मैंने उसमें पूछा था किस मकसद से आया, तो उन्होंने बोला था कि रीट Level 2 बहाल करवाने के लिए, और मैंने किसके लिए आया वो अपनी माँ के लिए, माँ के कितने नंबर हैं, 132 नंबर बताया उसने माँ मैथ से, तो देखो एक बच्चा भी उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि रीट Level 2 बहाल हो, हमारी माँ के द्वारा जो मेहनत की गई है
माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़े तबीयत सही नहीं थी। विष्णु लैमरोर जी बोल रहे हैं, सर ग्रुप बताओ, व्हाट्सएप टेलीग्राम रीट बहाल। रीट का सपना ग्रुप है, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं, वहाँ प्रत्येक खबर चलती रहती है और हमारे साथियों के द्वारा आपको पता ही है। ये कह रहे हैं दीपक सोनी जहर फैलाने आया था, उसी ने किया। देखो जिनका जो मकसद होता है वो उस काम को करता ही है, अब नाम लेने से क्या होगा, और सभी को पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो उन बातों करने से क्या फायदा है। उस जो बातें हो गई उसको छोड़िए, आगे मत बढ़ाइए उसको, जो हो गया वो जो गया भूतकाल में उसको गया तो उसको जाने दीजिए। अब ये सोचिए आगे हमें क्या करना है, उस आगे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, जो भूतकाल में जो हुआ उस सभी को भूलना चाहिए। मैं सब कहता हूँ जो बीते हुए समय में जो हुआ था उसको नजरअंदाज कर दीजिए और ये सोचिए आगे हमें क्या करना है, हमारी क्या रणनीति होगी, हमें किस तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, ये हम सभी का मकसद होना चाहिए। किसने क्या कहा क्या नहीं कहा उस बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हम सभी का मकसद एक ही है, रीट लेवल 2 बहाल करवाना। भाई कट ऑफ वाले विद्यार्थी हैं उनसे कहना चाहूंगा, चाहे विकलांग हो उनका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे उनके कितने भी नंबर हों, विधवाएं और तलाकशुदा वगैरह हैं, थोड़े हैंडीक्रैफ्ट वगैरह जैसे लोग हैं विकलांग कैटेगरी में आते हैं, उनका सिलेक्शन कम अंकों पर ही हो जाएगा, निश्चिंत रहें कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। पीएसएनई की करिए, कितनी तारीख तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा? प्रियंका जी आपको पता ही है, आपको पता ही है कितने टाइम में लगेगा, पता है जुलाई तक, इस जुलाई के महीने में अपना फैसला आ जाएगा, निश्चिंत रहें, जुलाई में जो पूरी पूरी कोशिश है रीट पात्रता परीक्षा है उससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा, पूरी पूरी कोशिश रहे कर रहे हैं सब लोग। पिंकी प्रजापति कह रहे हैं मेंटलिटी तो हो गई है, 30 तक फैसला हो जाए बस, 30 को तो नहीं हो सकता पिंकी जी, लेकिन जुलाई में 15 तक हो जाएगा। प्रिया सैनी जी कह रहे हैं जस्टिस ग्रुप के एडमिन नहीं आए, शायद उनको पता था कि कुछ नहीं होगा, बस पार्क में बैठ कर आएंगे, हम पागल बन गए इनके चक्कर में। प्रिया सैनी जी ऐसा कुछ नहीं था, पागल नहीं बने, ऐसा कहना गलत है आपका, अगर डोटासरा जी वहाँ होते तो हमारी मुलाकात होती या नहीं होती, थोड़ा नेगेटिव नहीं सोचकर पॉजिटिव सोचा करें वो बेहतर होगा। कल जिस तरह से हम लोगों ने जो माहौल बनाया था मीडिया में आया था उसको देखकर आप कैसा लगा ये देखिए, यानी अभी भी रीट लेवल 2 विद्यार्थियों का संघर्ष जारी है, उनकी वो अभी भी मांग जारी है, ऐसा तो नहीं है कि वो हार मानकर बैठ गए, उन सभी को ये भी पता होना चाहिए रीट लेवल 2 के विद्यार्थी अभी भी उनका संघर्ष जारी है और अभी भी वो अपनी मांग पर डटे हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है हमारी। सर नरेश मीणा जी कह रहे हैं सर 30 जून से पहले गवर्नमेंट रिप्लाई, रविंद्र जी की याचिका में रिप्लाई आ जाएगा क्या? नरेश मीणा जी जब केस मर्ज हो गए हैं तो जवाब आ चुका है, अरुणा अरुण जो अनिमा वाले केस है उसमें आ चुका है, सभी केस मर्ज हैं तो समझ ले सभी केसों में उसको टैग कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी केस एक साथ सुने जाएंगे इस वजह से एक केस में आना वही सही है, क्योंकि जब मर्ज हो जाते हैं यानी सभी को एक समूह से जोड़ दिया जाता है और एक बार व्यक्ति को कोई बात बता दी जाए तो यानी वो सबको पता चल जाती है, समय से लोग एक में आ गया तो उस समय आ गया उसी को टैग कर दिया जाएगा। विष्णु जी मैंने आपको बता दिया रीट का सपना, अपना टेलीग्राम चैनल है ग्रुप है उस पर जुड़ जाइए, आप बार बार उसी कमेंट को मत करें,
हरमीत सिंह कह रहे हैं पंजाबी 118 जनरल 122, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, टेंशन मत लो। विकास मीणा जी कह रहे हैं सर जी किसी काम में मन नहीं लगता है, पढ़ने में तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, हमेशा रीट ही याद आ रही है, क्या होगा हमारा, रीट बहाल होनी चाहिए। बिल्कुल हो जाएगी, और मन तो लगाना पड़ता है विकास मीणा जी, बगैर मन लगाए कुछ नहीं होता, रीट बहाल हो या ना हो फिर भी मन लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ पॉजिटिव है, रीट लेवल की बहाल हो जाएगी, निश्चिंत रहें, ये जुलाई के माह हमें फैसला आ जाएगा और बिल्कुल सब कुछ अच्छा है। अश्विनी सारन जी कह रहे हैं विष्णु जी पागल हो गए हैं क्या, अब देखो मैंने उनको बता दिया है, पागल तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राखी शर्मा जी कह रहे हैं सर जयपुर गए थे इतना दूर, वहां से सीकर निकल जाना चाहिए था। बिल्कुल राखी शर्मा जी, पूरी कोशिश थी, बात भी की गई थी, शायद मुझे पता नहीं आप आई या नहीं आई, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन प्लान बनाया गया था, लेकिन वहां से जब पीए साहब से उनकी बात हुई तो वहां भी उन्होंने मना कर दिया था कि यहाँ से भी वो निकलने वाले हैं, इस वजह से हम लोग वहाँ नहीं गए थे। ज्योति पाटीदार कह रहे पर सरकार क्यों सुन नहीं रही है, सुनेगी, देखो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है, जो व्यक्ति हमारे पक्ष में हो लेकिन उसका कोई दुश्मन हो तो उससे भी बचना पड़ता है। अब देखा जाए सरकार ने रद्द किया था, अगर सरकार इसको हमारे सामने ही या सीधे ही कह दे कि रीट लेवल टू बहाल होगी तो विपक्ष फिर सोएगा क्या, फिर से आंदोलन खड़ा करेगा, सरकार थोड़ा सवालों के घेरे में आ जाएगी, तो सरकार भी अपना चाहती है कि अपना बचाव कैसे किया जाए, और हो सके वो हमारे पक्ष में हो और कोर्ट के माध्यम से इस भर्ती को बहाल करवाए, ये भी तो हो सकता है। सुन रही है, उसके अंदर ही अंदर क्या विचार चल रहे हैं ये उन्हीं को पता है, हम सबको बताया जाएगा तो उजागर हो जाएगा, आप इस बात को खुद समझ लीजिएगा, सरकार पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नहीं होती तो उस समय हम अपना जवाब नहीं देती, 24 मई को हम सब गए थे तो उसके 2 दिन बाद ही जवाब आ चुका था, आप खुद समझ सकते हो, तो ज्यादा कहना नहीं है। देखो पूरे सरकार के पूरे जो आदमी हैं व्यक्ति हैं वो तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे पक्ष में आज भी हैं और रीट लेवल टू बहाल करवाना चाहते हैं। ज्योत्सना जी कह रही हैं सर फाइनल डिसीजन कब तक आएगा, 30 जून के बाद, अगली सुनवाई कितने दिन बाद हो सकती है। ज्योत्सना जी आपको बता देता हूँ अपना केस जो है डबल बेंच में चला गया है, सुनवाई ज्यादा लंबी अगर वैसे होगी, लगातार 30 जून को ही बेस है उसको, ज्यादा अगर डेट भी मिलेगी तो 1-2 दिन बाद की मिलेगी, ज्यादा लंबी डेट नहीं मिलेगी कि महीने 15-7 दिन, इससे ज्यादा नहीं, 7 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगी, 7 दिन के अंदर ही मिलेगी, वैसे देखा जाए 3-4 दिन के अंदर ही डेट मिलती है, इससे ज्यादा आगे की नहीं मिलती, डबल बेंच में अपना मामला चला गया है तो जल्दी इसकी सुनवाई होगी और जल्दी इसका फैसला भी होगा। उदयवंशी बहाल करना मतलब चोरों की नौकरी देना, भाई उदयवान सिंह जी आपके पास क्या प्रूफ है कि ये लोग चोर है, आप मुझे बता दीजिए, आप इनको प्रूफ करके बता दीजिए ये लोग चोर है, अगर आपके नंबर इतने कम नहीं होते तो आप भी ये बातें नहीं कर रहे होते, अगर आप में ताकत है तो पढ़ के देखिए, पढ़ के देखो और इतने अच्छे अंक लेकर आओ तो पता चल जाएगा कि 78 दारी होने से क्या होता है, चोर कहने से फर्क क्या पड़ता है, जब मेरे नंबर कम होते और आपके होते मेरे अंक के बराबर या इन लोगों के बराबर होते और तब मैं आपसे चोर कहता तो आपको कैसा लगता, चोर सब नहीं होते, एक झोपड़ी वाला व्यक्ति चोर नहीं हो सकता, जिसने घर से बाहर निकलना नहीं देखा हो वो उसको चोर नहीं कह सकते, चोर जैसे तुम लोग हो जो कुछ किसी काम के लायक नहीं हो, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो और किसी का बुरा भी मत सोचो। प्रिय सेन जी प्रधान सर को जोड़ो, मैंने उनसे लिंक भेज दी है,
पता नहीं वो किसी काम में बिजी थे। मैंने बोला था पहले भी, मैंने उन्होंने को बता दिया था कि शाम 4 को 4 बजे आपको जुड़ना है, लेकिन नहीं आ पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। पंकज महर्षि जी कह रहे हैं सर 30 जून को बाली की स्थिति कहाँ तक स्पष्ट हो जाएगी? बिल्कुल 80% आपको स्पष्ट हो जाएगा 30 जून को, यानी परसों आपको स्पष्ट बता दिया जाएगा शाम को कोर्ट का में जो सुनवाई होने के बाद कि क्या स्थिति है 30 जून को अपना, क्योंकि बहस है, उस बहस में के दौरान सब पता चल जाता है। वर्षा गुप्ता कह रही है सब लोग लग जाओ पढ़ाई में, रीठ बहाल नहीं होगी 100%। तो वर्षा गुप्ता जी आपसे कहना चाहूंगा बहाल नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ अपना टाइम खराब ना करें, आप पढ़ाई में लगो। ये लोग पढ़ने वाले नहीं है, इनको पढ़ना नहीं है, आप जाइए और आप पढ़ो। उदयवान जी कह रहे हैं बहाल करना मतलब चोरों को नौकरी देना, बिल्कुल सही है, चोरों को नौकरी लगेगी, रोकना है तो रोक लेना। अरुण मीणा जी कह रहे हैं अनुवाद जी का जवाब ही सभी केसों में होगा, क्योंकि अब अलग अलग से जवाब नहीं आएगा, क्योंकि सब जवाब अलग अलग हो जाएंगे। बिल्कुल मैंने पहले ही बता दिया था, और जवाब इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पॉजिटिव है, इतने सरकार के द्वारा जो जवाब पेश किया उसमें इतनी ताकत नहीं है कि रीट लेवल 2 को बहाल होने से रोक जाए, ये भी बता दूंगा आपको। सरकार के द्वारा जो जवाब पेश किया गया उसमें इतनी ताकत नहीं है कि रीट लेवल 2 को बहाल होने से रोक जाए। शक्ति सिंह किस को कुछ हिंट मिल सकता है? बिल्कुल पंकज महर्षि सर 30 जून को बाली का कहां तक स्पष्ट हो जाएगी? मैंने बता दिया 80% जी। राधा कृष्ण कह रहे हैं आपका मन क्या कह रहा है सर? मेरा मन बिल्कुल कह रहा है रीट लेवल 2 बहाल हो जाएगी, होगी 100%। मंतुराम गुर्जर रीट लेवल 2 अगली सुनवाई कब होगी? 30 जून को होगी भाई। ज्योति पाटीदार जी कह रहे हैं जो भी अपनी भर्ती बहाल हो बस यही दुआ है सर जी, बिल्कुल सभी की उम्मीदें हैं। अब तो जुड़ जाओ प्रधान मीणा जी, अब काम हो गया आपका, अब आ जाओ, मैंने लिंक भेज दिया व्हाट्सएप पे आपके पे, आप लाइव आ जाओ, थोड़े बच्चे भी चाह रहे हैं कि प्रधान मीणा जी आए, लिंक भेज दिए मैंने आपको, लिंक से जुड़े। प्रधान जी का घूम रहे हो पार्क में किसके साथ? मतलब समझ में नहीं है क्या बोला, क्या कह रही हो इसको? अरुण मीणा जी क्या कह रहे हो उसको स्पष्ट करें। शांतिलाल परमार जी कह रहे हैं सर रीट लेवल 2 बाल होगी 100%, क्या बिल्कुल होगी? बार बार एक ही कमेंट को ना दोहराएं भाई। राजपाल चौहान जी कह रहे हैं सर जी डोटासरा जी ने धोखा दे दिया, जब उन्होंने डेट दी तो फिर मिले क्यों नहीं? देखो भाई राजनेता हैं, क्योंकि कोई कुछ नहीं उसे कह सकता, बिगर पैंदे के लूटे होते हैं, जब जिसे कोई उधर लड़कना है उधर लड़क जाते हैं, विश्वास बना रखना पड़ता है। भावेश जी कह रहे हैं हम जीतेंगे बिल्कुल। वर्षा गुप्ता जी सर आप बहुत ज्यादा परेशान देख रहे हैं, अब हूं तो क्या करें, 30 जून को कुछ संस्तुति मिल जाएगी बिल्कुल। मुकेश मीणा जी कह रहे हैं सही बात है सर जी, ये साले 78धारी मरने वाले हैं बिल्कुल। विजय मीणा जी कह रहे हैं सर वकील जी क्या कहते हैं? वकील जी क्या कहेंगे, वकील जी का काम है कोर्ट के अंदर अपनी ताकत दिखाना, वो क्या कहेंगे, वो अपने जिस काम के लिए लगाए हैं उस काम के लिए वो तैयार हैं। दिलीप मीणा जी कह रहे हैं 30 को पता चल जाएगा कि रीट बहाल होगी या नहीं होगी, कुछ आइडिया लग जाएगा, बिल्कुल 80% पता चल जाएगा, टेंशन न लें, बिल्कुल अपने ही वश में आएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा जो जवाब पेश किया है उसमें इतनी ताकत नहीं है। ज्योति पाटीदार सही बात है सर, जिसके कम नंबर हैं वो ऐसा ही बोलेंगे,
सर पागल लोग हैं, नंबर पढ़ाई करके लेना कितना मुश्किल है, कितनी मेहनत पूरी पड़ती है। बिल्कुल अरे भाई उसमें कुछ नहीं होगी, तो भाई जाओ आप, जरूरत नहीं आप लोगों की। यहाँ राजपाल चौहान जी, सर जी डोटासरा ने बहुत बड़ा धोखा दिया, बता तो दिया आपको। बहुत सारी कमेंट होगी इसमें, अशोक चौधरी जी कह रहे हैं एजुकेशन हम जीत जाए, न्याय मिल जाए। बिल्कुल रीट तो बहाल होगी आज नहीं तो कल, पर कट ऑफ क्या रहेगी सामने बता देंगे, सब सब बता दिया जाएगा, टेंशन ना ले। अरुण मीणा जी कह रहे हैं अब तो कोर्ट नंबर केस सब 50 और 60 के बीच है, पहले तो 150 के ऊपर थे, जल्दी सुनबाजी हो जाएगी, टेंशन ना ले। विजय मीणा जी कह रहे हैं अठहत्तरदारी अपना ध्यान रखे हैं, ये तो लास्ट बोल में छक्का लगाने देंगे, बिल्कुल बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, इनको पता चल जाएगा तैयारी क्या होती है, जब बहाल हो जाएगी ना तब पता चलेगा चोर चोर कहना क्या होता है। ज्योति पाटिल कह रही हैं नेगेटिव लोगों को ब्लॉक कर दो, फालतू बकवास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करने दो, इनको भी लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है, इनको भी डर, इनके अंदर भी डर होना चाहिए, ये डर नहीं है इसके अंदर तो ये क्या है, इनके अंदर इतना डर भर गया है, इस वजह से कट ऑफ कर रहा है, ये फेंक रहे हैं कि चोर है वो है, तो जब डर नहीं लगता है ना तो ऐसी बातें नहीं करते हैं, इनके अंदर भी डर घुसना चाहिए, क्योंकि चोर लोग यही है, पढ़ते तो है नहीं, दूसरा को कहते। सरकार ने पेपर रद्द नहीं किया बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी, बिल्कुल सही बात है बीकेडी एजुकेशन जी आप सही कह रहे हो। राहुल बावला जी कह रहे हैं 30 जून का इंतजार है हमें, वही बस बाल हो जाए हमारी भर्ती, बिल्कुल सही की है। हरिओम जी कह रहे हैं सर हमारी जीत होगी, जरूर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की है तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा। सर 25 तारीख को डोटासरा से मिलने गए थे तो क्या रेस्पॉन्स मिला था? पॉजिटिव रेस्पॉन्स था, उनके द्वारा बढ़िया बात कही गई थी, सकारात्मक विचार थे उनके, अपने सपोर्ट में थे, लेकिन जब हम मिलने की बात कही गई तो उनको एकदम का अकारण ही कोई काम आ गया, इस वजह से हाँ सरकार बनाम जनता मामले में सरकार हारती है, बिल्कुल बीकेडी जी एजुकेशन ने आप भी सच कर कह रहे हो, क्योंकि जनता एक तरफ हो सरकार एक तरफ तो हो तो हमेशा जीत जनता की होती है, ये बिल्कुल आपकी सत्य बात है, इसलिए रीट लेवल 2 बहाल होगी। राजेंद्र यादव जी कह रहे हैं सर 30 को रीट का उत्सव मनाएंगे, बिल्कुल मेहनत करने वाले नहीं चाहते कि ये रद्द हो, बिल्कुल क्योंकि मेहनत की है तो उसका परिणाम उनको चाहिए। विजय मीणा जी कह रहे हैं देखो 78 दारी अपना ध्यान रखें, हम पात्रता तो ऐसे ही पास कर लेंगे, बिल्कुल इतनी तो ताकत है, जब एक बंदा 140 135 138 130 132 120 ला सकता है तो 90 नंबर नहीं ला सकता क्या? इतने में आपको सोचना चाहिए, और पात्रता परीक्षा जुलाई में है, जुलाई के बाद 7 महीने हैं रीट के, तब तक होगा आप खुद समझ लीजिएगा। सुनील वर्मा जी कह रहे हैं सर तैयारी करें या नहीं मन लगता नहीं, पढ़ाई तो करो भाई, पढ़ाई तो जारी है, देखो सेकंड ईयर का है फर्स्ट ईयर का है उसकी तैयारी तो जारी रखें। अनुज मीणा, एक मिनट रुकिएगा कमेंट निकल गई है, कमेंट ऊपर जा रही हैं, बहुत सारी कमेंट आ रही हैं। अनुज मीणा जी कह रहे हैं सर जी आपका चेहरा बिल्कुल उदास लग रहा है,
सोए नहीं भाई, रात को पूरी रात जयपुर से आए थे। सुबह 4 बजे आया था, मतलब काम था इसलिए सो नहीं पाए। लाइट वगैरह आती नहीं है दिन में, सो नहीं पाए इसलिए परेशान है। अशोक चौधरी जी गए सर, दीपक जी और सिद्धार्थ जी और महेश जी से बोलो कि डोटा जी और सीएम से संपर्क सीधे साधे रखें। बिल्कुल कोशिश है टीम के द्वारा, आप बताने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो काफी लंबा हो चुका है और सभी से कहना चाहूंगा, बढ़िया रेस्पॉन्स है, अपना सकारात्मक विचार बनाए रखें। 100% आपकी जीत होगी, रीट लेवल टू बहाल होगी और आपकी मेहनत का आपको परिणाम जरूर मिलेगा। देखो कुछ असामाजिक तत्व तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उनको फैलाने दीजिए। आप इस कान से सुनिए, उस कान से निकाल दीजिए, आपको आपकी मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। और नई जो खबर होगी मैं आपको लाइव के माध्यम से बता दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा तो प्रधान मीणा जी बता देंगे, हम दोनों में से किसी ने कोई आपको बता देगा, टेंशन न लें। तो दोस्तों मिलेंगे एक नई खबर के लिए के बाद, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव प्रोग्राम सुनने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। एक ब्रिगेडियर एजुकेशन जी के द्वारा मैसेज है, पेपर रद्द करना वह होता है जो परीक्षा से 1 सप्ताह में, जैसे पुलिस वाला का, लेकिन कट ऑफ से पहले रद्द करना गलत है। बिल्कुल, अगर रद्द करना था तो आप सितंबर में अक्टूबर में कर देते, कोई दिक्कत नहीं, नवंबर में भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊँ आपको, अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। अब अगर आप सभी चाहते हो, देखो जीत कहाँ है अपनी, इस बात को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे, पहले मैं बता देता हूँ आपको हमारी जीत कैसे होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, हम लोग हो गए हैं बड़ा, मैं बता देता हूँ आपको अपनी जीत कैसे हो रही है। और जरा सरकार का जवाब कुछ भी नहीं है, उसमें कोई ताकत नहीं है, मैं बता देता हूँ कैसे ताकत नहीं है, फटाफट शेयर कर दें। तो देखो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको जीत अपनी कैसी है, कि सरकार ने जवाब में पेश किया है कि एसओजी के द्वारा पर्याप्त जांच करने के बाद पर जांच में पाया गया कि रीट लेवल टू का पेपर आउट हुआ है। इस आधार पर सरकार के द्वारा फैसला लिया गया रीट लेवल टू को रद्द किया जाए। लेकिन ये फैसला कब लिया जा रहा है? फरवरी माह में। यानी कहने का मतलब है शिक्षा निदेशालय बीकानेर निदेशालय के द्वारा पात्रता पर जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए थे रीट परीक्षा में, अंक लेकर आए थे, जिनका सिलेक्शन होने वाला, कट ऑफ आने वाली थी उससे 2-3 दिन पहले, जब नवंबर माह में हमारे कुछ साथियों के द्वारा रीट रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी, और उसमें कहा गया था कि रीट लेवल टू का पेपर रद्द हुआ है, और देखा जाए एसओजी ने भी कहा था पेपर आउट है, लेकिन सरकार ने क्या कहा था कि कुछ व्यक्तियों की वजह से इतनी बड़ी परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता, और ये हवाला दिया था नीट का, और जिसमें हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि रीट लेवल 2 को रद्द, यानी रीट भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया सकता थोड़े से व्यक्तियों की वजह से। जब सरकार को पता चल गया था नवंबर के माह में ही कि रीट लेवल 2 का पेपर आउट हो गया है, तो तभी रद्द करना चाहिए था, लेकिन तब क्यों नहीं की? और सरकार फिर उसी उसने क्या कहती है कि थोड़े से व्यक्तियों की वजह से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। तो समझ लीजिए यही आपकी जीत हो चुकी है, और इसी आधार पर रीट लेवल 2 बहाल होगी। अब थोड़ा समझ में आया हो तो समझ लीजिएगा, एक बार फिर इस वीडियो को थोड़ा देख करके फिर दोबारा सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। न्यायपालिका न्याय जरूर करेगी, अन्याय कभी नहीं कर सकती, अन्याय तो कभी नहीं किया था। अशोक चौधरी जी कह रहे हैं अगर हाईकोर्ट भी न्याय नहीं देगा तो किरोड़ी और हाईकोर्ट में क्या फर्क रह जाएगा? नहीं, क्यों नहीं देगा, बिल्कुल दे जाएगा, टेंशन न ले।
तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और जो भाई बंदे इस पर नए हैं, रीड लेवल 2 से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसे ही कोई खबर होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शंकरलाल मिराज करें किसी केस को लेकर हाईकोर्ट का, ये अधिक से अधिक कितना समय लग सकता है, किसी को आइडिया क्या? ये तो क्या नहीं कह सकते। राधाकृष्ण जी कह रहे हैं विधानसभा के में बाजार सत्र चलने के करना सरकार दबाव में, पता नहीं क्या था। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।